सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो 25 तारीख को फ्री फायर का नया ओबी अपडेट आने वाला है और ये वाला अपडेट काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। तो चलो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि ओबी अपडेट के अंदर कौन कौन से नए अपडेट आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा जो भी मेन अपडेट आने वाले हैं इस वाले ओबी 34 अपडेट के अंदर, जो कि 25 तारीख को आएगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से अपडेट आने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना। और गाइस, इस वाले वीडियो के अंदर मैं बहुत ही कम बोलने वाला हूँ, वो क्यों वो आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे। चलो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। ये जो पहला अपडेट है ये है नई गन के बारे में। एक नई कटिंग एज स्नाइपर के लिए कौन तैयार है? इसकी मोबिलिटी इसकी विशेषता है। M24 एक जटिल और हाईली अडेप्टेबल लाइट स्नाइपर है। इसके साथ आप कुछ ही समय में बैटल रॉयल पे राज करेंगे। मैं पहले से ही आपकी जीत की ग्लोरियस चीयर्स को इमेजिन कर सकती हूँ। प्रो की तरह निशाना लगाओ सर्वाइवर्स। इसके अलावा ये रहे इस सीजन के वेपन एडजस्टमेंट्स। बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो हमारा दूसरा अपडेट है रैंक सिस्टम को लेके। रैंक सिस्टम आपको पता है अभी बहुत ही बेकार हो चुका है, बोरिंग सा हो चुका है, क्योंकि अभी रैंक पुश करना बहुत ही ईजी है। तो रैंक सिस्टम के अंदर काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं, वो सारे आप देख लो। हमारे पास आपके लिए एक रास्ता है। कुल मिलाकर हमने रैंकिंग सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं। लोअर और मिड रैंक के लिए हम न केवल सभी रैंक्स का एक ज्यादा साफ लेआउट मुहैया करते हैं, साथ ही आपको ऊपर बढ़ने पर ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जिनमें लिमिटेड टाइम के लिए एपिक गन स्किन्स भी शामिल हैं। हायर रैंक्स के लिए हमने टीयर्स को फिर से बांटा है उनके स्किल बैंड्स को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा हीरोइक और मास्टर तक पहुंचने के लिए एक्सक्लूसिव इमोट्स गिफ्ट में दिए जाते हैं। तो अब आपके पास अपनी मास्टरी दिखाने के लिए और भी जगहें हैं। फ्रेश रैंक्स रिवॉर्ड्स के एडिशन में नई CS सीजनल गन स्किन द गोल्डन M14। मुझे यकीन है कि ये आपकी बाकी कलेक्शन के साथ बढ़िया लगेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। हमारा अगला अपडेट है फ्री कैरेक्टर्स, यानी कि सारे के सारे कैरेक्टर आप फ्री में ले सकते हो। पहले इस क्लिप को देख लो, फिर आगे बात करते हैं। हम जानते हैं कि आप कम कीमत पर ज्यादा तरीके के प्लेबल कैरेक्टर्स का आनंद लेना चाहते हैं। तो ठीक है, हम एक कदम आगे जा रहे हैं। हमारे नए सिस्टम के जरिए सभी कैरेक्टर्स फ्री में अनलॉक करने के लिए उपलब्ध हैं। पेश है लिंक। लिंक प्लेयर और कैरेक्टर्स के बीच एक बॉन्ड बनाता है। ये इस तरह काम करता है। सबसे पहले अपनी पसंद के कैरेक्टर को चुनें, फिर कैरेक्टर के साथ एक लिंक बनाने के लिए कंफर्म करें। अब आपको बस टास्क को फॉलो करना है और प्रोग्रेस बार को पूरा करना है। आपके लिंक के स्टेटस को आइकॉन के जरिए देखा जा सकता है, जो तब बदलता है जब एक कैरेक्टर क्लेम करने के लिए तैयार हो। ये वाले अपडेट के बारे में मैं बहुत ही पहले बता चुका हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो चैनल में जाना, मैंने एक वीडियो डाला था बहुत ही पहले, उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 4 महीने पहले डाला था शायद से। CS यानी कि क्लैश कोड के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है, तो वो भी देख लो कि CS के अंदर क्या आ रहा है। जब आप लेवल 3 आर्मर खरीदने जाते हैं और लेवल 2 आर्मर बर्बाद हो जाते हैं तो कितना बुरा लगता है ना? अब और नहीं, पेश है नया आर्मर अपग्रेड सिस्टम। अब ये पक्का करने के लिए कि आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद ना हो, इन गेम शॉप्स के जरिए आप आर्मर अपग्रेड कर सकते हैं। ये सुविधा ज्यादा बेहतर परचेज एक्सपीरियंस के लिए है और कैश मैनेजमेंट में एडवांस स्ट्रेटजी के लिए भी जगह देती है। और गेम के अंदर 5v5 होता है, यानी कि बॉम्ब स्क्वाड जो मोड होता है उसके अंदर एक नया मैप आने वाला है, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो ये छोटा सा क्लिप देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके का मैप होने वाला है। मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। एक बार चुपके से नजर डालेंगे, गलियारों में बातें उड़ रही हैं। हमारे पास एक नया टीम बेस्ट 5v5 थ्रिलिंग हेड टू हेड कॉम्बैट मोड यही हमारे ब्रांड न्यू मैप एल पास्टेलो में आने वाला है। जरा नजारा तो देखिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम बेशक एक छुट्टी पर जा रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है पिन सिस्टम को लेके। आपको पता होगा गेम के अंदर हम मार्क कर सकते हैं किसी भी चीज को, या फिर हम डायरेक्टली किसी लोकेशन को मार्क करना है, कहीं पे एनिमी दिख रहा है तो उसको मार्क करना है, तो उसके लिए जो मार्क यूज करते हैं उसके अंदर चेंजेस होने वाला है। पहले पिन्स और उन्हें भेजने वाले टीममेट्स को पहचानना मुश्किल था और प्लेयर्स को टीममेट्स की मार्क की गई लोकेशंस को खोजने के लिए ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता था। पुराने क्विक कॉम सिस्टम ने टीम कोऑर्डिनेशन को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना दिया था। अब हमने रेगुलर मार्कर्स को मिनी मैप वालों के साथ जोड़ दिया है, ताकि सभी पिंस आपकी स्क्रीन पर ऑर्गेनाइज्ड रहें। हमने मार्कर कलर्स अरेंज किए हैं और टीममेट्स के बगल में विजुअल क्यूज जोड़ दिए हैं, ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। इसके साथ ही अब आप नॉक होने के बाद भी दुश्मन की लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। अब अगला जो अपडेट है वो इस वीडियो का लास्ट अपडेट है, तो ध्यान से देख लेना कैरेक्टर के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में है। तो लाइक भी कर देना अगर लाइक नहीं किया है, और देखो ये वाला अपडेट।
जैसे हम बड़े होते हैं और कुछ सीखते हैं, ऐसा लगता है कुछ कैरेक्टर्स पुराने हो गए हैं और जिन्हें काफी पहले ही रिफ्रेश कर देना चाहिए था। हमने कुछ कैरेक्टर्स को फिर से डिजाइन किया है ताकि वो मौजूदा मेटा में बेहतर तरीके से शामिल हों। हमारी क्रिएटिव रिबेल स्टेफी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस नए पैच में स्टेफी की नई स्किल एक एंटी ग्रेनेड जोन बनाती है, जो जोन में फेंके गए ग्रेनेड से होने वाले किसी भी डैमेज को काफी हद तक खत्म कर देती है। जोन के बगल में गिरने वाले ग्रेनेड्स भी जोन के अंदर फ्रेंडली फोर्सेस को डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। स्टेफी की स्किल एक्टिवेट होने पर अब जोन में फ्रेंडली फोर्सेस के लिए आर्मर और हेलमेट की ड्यूरेबिलिटीज को भी रिकवर करेगी। अगला नंबर है A124 का। बहुत दिनों के इंतजार के बाद हमारे AI फ्रेंड को अपडेट मिल रहे हैं। A124 की नई एक्टिव स्किल प्लेयर्स को प्रोजेक्टेड डायरेक्शन में एक शॉक वेव रिलीज करने की काबिलियत देगी। एरिया में मौजूद दुश्मनों को एक्टिव और पैसिव स्किल्स में कुछ वक्त खराबी का सामना करना पड़ सकता है। एरिया में मौजूद दुश्मन जो इंटरैक्शन काउंटडाउन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि मेड किट का इस्तेमाल करना या टीममेट्स को रिवाइव करना, उन्हें भी टास्क पूरा करने में रुकावट आएगी। बैटल का रोमांच अपने नाम पर खरा उतर रहा है और हमने कुछ और कैरेक्टर्स में भी छोटे मोटे बदलाव किए हैं। डिटेल्स के लिए हमारे पैच नोट्स देखना ना भूलें। तो ये थे आने वाले अपडेट के अंदर मेन अपडेट। और भी काफी सारे अपडेट आएंगे, मतलब पैच नोट काफी बड़ा आने वाला है, तो वो भी देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलो काम खत्म हुआ।